वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों आप सब देख रहे हो इंटरटेनमेंट बज। और दोस्तों आज हम तीन पाकिस्तानी मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बात करेंगे जो कि अक्टूबर और नवंबर में रिलीज हुई है। पहली है दुर्ज, दूसरी है कॉफ कंगना और तीसरी दोस्तों मूवी है तलाश जो कि 15 नवंबर को आई है। और उसका आपको छोटा सा मैं क्विक रिव्यू भी दूंगा। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक यार जरूर कर देना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक हमारा वीडियो। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम दुर्ज मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर। दुर्ज मूवी की दोस्तों बात करें, इस मूवी को रिव्यू काफी अच्छे मिले, काफी हटके बनाई गई थी, काफी मूवी अच्छी भी थी, लेकिन ये मूवी इतनी ज्यादा खास लोगों को पसंद नहीं है। यार इसने इस मूवी को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया और ये मूवी डिजास्टर साबित हो चुकी है। इस मूवी ने फर्स्ट डे में कलेक्शन किया 13 लाख का। जी हाँ, और बात करें फर्स्ट वीकेंड की तो इस मूवी का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन रहा 35 लाख का। बात करें फर्स्ट वीक की तो फर्स्ट वीक तक भी मूवी का ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली। फर्स्ट वीक तक मूवी का कलेक्शन अगर 80 लाख तक का आता तो काफी अच्छा माना जाना था, लेकिन मूवी का कलेक्शन बहुत लो आया। फर्स्ट वीक कलेक्शन सामने आया 50 लाख का, 0.50 करोड़। वहीं पर दोस्तों सेकंड वीक मूवी का कलेक्शन इतना ज्यादा ड्रॉप आ गया, सेकंड वीक भी कम से कम मूवी का 30 लाख तक को आना चाहिए था, अगर ड्रॉप आना भी था तो नहीं, तो सेकंड वीक मूवी का कलेक्शन जो सामने आया वो सिर्फ 8 लाख का सामने आया। बहुत बड़ा ड्रॉप सामने आया सेकंड वीक में। और थर्ड वीक में तो कलेक्शन सिर्फ 3 लाख ही रह चुका है, मतलब कि मूवी का टोटल 3 वीक का पाकिस्तान से कलेक्शन बनता है 0.61 करोड़। ओवरसीज में मूवी का कलेक्शन हो चुका है 0.14 करोड़, ये ओवरसीज की फाइनल अपडेट है। तो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बनता है 0.75 करोड़, मतलब के 75 लाख। मूवी का बजट है 2.50 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख। जिसको देखते हो ये मूवी डिजास्टर साबित हो चुकी है, बहुत बड़ी फ्लॉप। तो हालांकि मूवी अच्छी थी लेकिन लोगों को अलग कंटेंट पसंद नहीं आया। और इसके साथ मूवी रिलीज हुई थी कॉफ कंगना, इसके क्लैश में ये मूवी थोड़ी मसाला टाइप मूवी थी। मूवी अच्छी थी लेकिन काफ दुर्ज मूवी से ज्यादा अच्छी नहीं थी। अच्छी जरूर थी लेकिन दुर्ज मूवी से ज्यादा नहीं अच्छी थी मूवी, लेकिन फिर भी इसमें का कलेक्शन दुर्ज मूवी से तो अच्छा है, लेकिन इसमें का बजट भी ज्यादा था। तो बजट ज्यादा होने की वजह से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इस मूवी ने अपने फर्स्ट डे में कलेक्शन किया 19 लाख का। फर्स्ट वीकेंड जो 3 दिन का सामने आया वो 61 लाख का आया। तो बात कीजिए मूवी के फर्स्ट वीक की तो फर्स्ट वीक कलेक्शन सामने आया 86 लाख का, यानी 0.86 करोड़। सेकंड वीक तक मूवी का कलेक्शन बहुत ड्रॉप आ चुका था। हाल अगर मूवी सेकंड वीक में काफी अच्छी रहती तो मूवी का बजट आसपास आ जाना था और मूवी एवरेज मानी जानी थी, लेकिन सेकंड वीक मूवी का ड्रॉप काफी ज्यादा आ चुका था। और सेकंड वीक कलेक्शन रहा 0.35 करोड़, क्योंकि पाकिस्तान में काफी ज्यादा हॉलीवुड मूवीज भी आ चुकी थी तो स्क्रीन भी कम हो चुकी थी। और थर्ड वीक में मूवी दोस्तों कलेक्शन रहा 0.20 करोड़। तो टोटल पाकिस्तान कलेक्शन बनता है 1.41 करोड़। और बात करें दोस्तों इस मूवी के बजट की तो इस मूवी का बजट है 4 करोड़ का, यानी ये मूवी एक मीडियम बजट मूवी थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो चुकी है। और वहीं पर दोस्तों बात करें हम इसी महीने में रिलीज होने मूवी तलाश के बारे में। पहले आपको छोटा सा क्विक रिव्यू दूं तो मुझे इस मूवी ज्यादा उम्मीद थी नहीं, ना ही मेरे जहन में इतना था कि मूवी इतनी अच्छी होगी, तो थोड़ी इंटरटेनमेंट के लिए गया था, लेकिन ये मूवी टोटली सरप्राइज पैकेज निकली। जी हाँ, ये मूवी बहुत ज्यादा ही अच्छी निकली मेरी नजर के मुताबिक। हालांकि देखा जाए तो ये मूवी इस ट्रेलर भी मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा था और ना ही मुझे मूवी की ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों ये मूवी टोटली सरप्राइज पैकेज है। आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें तलाश, मूवी बहुत अच्छी है। इस साल की मेरे ख्याल से बेस्ट मूवी ये हो सकती है तलाश। हालांकि मूवी में कुछ कमियां जरूर थी लेकिन ये एक स्टार्ट थी तो मुझे ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी लगी है। आप इस मूवी को एक बार जाकर जरूर देखना। तलाश मूवी की बात करें, तलाश मूवी ने फर्स्ट डे में कलेक्शन किया 10 लाख का। कलेक्शन काफी कम है लेकिन मूवी का बजट भी कम है, लेकिन आप इस मूवी को एक बार तो जाकर जरूर देखें। और फर्स्ट वीकेंड मूवी का 40 लाख के आसपास ही आ रहा है, तो 4 दिन को कलेक्शन मूवी का जो पाकिस्तान से अप्रोक्सीमेट वो 43 लाख का बन रहा है, 0.43 करोड़ का। तो मूवी का जो बजट है वो अराउंड 80 लाख का है। तो देखते हैं मूवी, और मेरे अकॉर्डिंग तो मूवी बजट कवर कर सकती है अगर अच्छा कलेक्शन मूवी करती रही तो। अगर इसको मूवी को सपोर्ट थोड़ी बहुत मिली तो ये मूवी हिट हो सकती है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी वीडियो लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।